देश के कई राज्यों में अवैध संपत्तियों के खिलाफ में बुलडोजर वाला एक्शन जारी है और यह एक्शन यूपी में सबसे ज्यादा नजर आता है, लेकिन दूसरे राज्यों में आए दिन बुलडोजर चलते हुए देखी जाता है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कई सारे निर्देश भी दिए हैं, बावजूद इसके बुलडोजर एक्शन जारी है। गुजरात के सोमनाथ में भी मंदिर के आसपास कथित अवैध निर्माण के खिलाफ 28 सितंबर को बुलडोजर चला, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पटनी मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और इस याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने अवैध ध्वस्तीकरण पर यथास्थिति आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। और पीठ ने यहां पर क्या कहा, पीठ ने कहा अगले आदेश तक जमीन का कब्जा सरकार के पास रहेगा और किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं किया जाएगा। आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट में दलीलें रखी गई और बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की आपको बताते हैं। मुस्लिम पार्टी की तरफ से दलीलें पेश करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यह संरक्षित स्मारक है, किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं। जस्टिस गवई ने कहा तीसरे पक्ष के क्या अधिकार हैं, यह सरकारी जमीन है। कपिल सिब्बल ने यहां पर कहा यह आपके आदेश की अवमानना है, दहाए जाने का कारण यह बताया गया कि वो स्मारक अरब सागर के पास है, जल निकाय के पास नहीं हो सकते, संरक्षित स्मारक गिरा दिए गए, क्या आपके आदेश के बावजूद इसकी कल्पना कर सकते हैं। फिर यहां पर अजीत तुषार मेहता कहते हैं कोई भी संरक्षित स्मारक नहीं था। जस्टिस गवई ने कहा हाईकोर्ट का यह आदेश 2015 में पारित किया गया था, आप भूमि का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए ही कर सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने भी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। दरअसल एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया कि 1903 में यह जमीन उसे दी गई थी। गुजरात सरकार ने इस दावे को झूठा करार दिया और कहा कि जमीन सोमनाथ ट्रस्ट की थी, ट्रस्ट उसे काफी पहले सरकार को सौंप चुका है। अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई लंबे समय से चल रही थी। याचिकाकर्ता झूठे दावे कर इसे सांप्रदायिक रूप दे रहा है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास कथित अवैध निर्माण पर 28 सितंबर को बुलडोजर चला गया था। पटनी मुस्लिम समाज ने 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। इस याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में दरगाह मंगरौली शाह बाबा, ईदगाह प्रभास पाटन, वेरावल, गिर सोमनाथ में स्थित कई अन्य स्ट्रक्चर के कथित अवैध विध्वंस का हवाला दिया गया था।